हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 11th स्टैंडर्ड हिंदी। हिंदी में निबंध हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला निबंध है यहाँ पे होली का त्यौहार। 11th स्टैंडर्ड के हिंदी के डाइजेस्ट में लास्ट में जो भी जितने भी निबंध दिए गए हैं वो सारे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और हिंदी का प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इवन आपके हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर अपलोडेड हैं। बी के, इंग्लिश, एस पी, ओ सी, हिंदी, मराठी, इकोनॉमिक्स, सारे ही सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इंग्लिश में भी आपको सारे राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अप्रिसिएशंस को एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। होली का त्यौहार, तो पहले देखिए स्टार्ट कैसे किया गया है। हमारे यहाँ त्यौहारों का सिलसिला वर्ष भर यानी साल भर चलता है। देखिए ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, ये कि कोई भी क्लास के बच्चे लिख सकते हैं। 5th to 12th, 5th के बच्चे, 6th के बच्चे लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। और 9th, 10th, 11th सबके लिए, तो जैसा लिखा हुआ है। इवन 8th के लिए भी, 7th के लिए भी जितना दिया हुआ है आप इतना भी लिख सकते हो। इसलिए हमारे देश को त्यौहारों का देश कहते हैं। ईद, बकरी ईद, ओणम, पोंगल, बैसाखी, रक्षाबंधन, होली, इतने सारे त्यौहार का नाम लिखना है। और होली क्या बताया गया, होली के बारे में रंगों का त्यौहार है। यहाँ पे जो दो तिरछी दी गई है त्यौहार को, ऐसे दो दो देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है त्यौहार। होली का त्यौहार मनाने के पीछे धार्मिक कारण है, कुछ तो धार्मिक कारण है। कहते हैं हिरण्यकश्यप जो कि एक राक्षस था, नामक शैतान, अब शैतान की जगह पे आप राक्षस लिख सकते हैं, ठीक है, राक्षस। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस प्रहलाद जैसे ईश्वर भक्त के बेटे का पिता था, जो घमंड के कारण अपने आप को ईश्वर समझता था। उसकी एक बहन होलिका थी जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका अपने भाई की मदद के लिए प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। नारायण की कृपा से प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका जल गई। तभी से होलिका दहन किया जाने लगा। यह असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है जिसके दूसरे दिन लोग रंगों से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। हमारा देश किसानों का देश है, यह उनकी फसलों का भी त्यौहार है। फसल का रसा स्वादन होली की खुशी लेकर आता है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर नाचते गाते हैं। इस दिन शैतान को कबीरा सुनाकर ताना भी मारा जाता है। होली के गीत अत्यंत मनोरंजक व आकर्षक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ होली खेलते थे। बरसाने और ब्रज की लठमार होली आज भी उसी उमंग से मनाई जाती है। लठमार यानी लाठी मारी जाती है औरतों के द्वारा सर पे, और पुरुषों को उससे बचना होता है। लोग मिठाई बांटते हैं, ठंडाई पीते हैं, अपने गिले शिकवे यानी जो भी शिकवा शिकायत होती है मिटाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। सभी होली के रंग में घुल मिल जाते हैं। कुछ गलत परंपराएं चल पड़ी हैं। अब लास्ट में क्या बताना है आपको निबंध में, कि जो उससे रिलेटेड कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं उस पर भी रोक होनी चाहिए। जैसे गंदा पानी, कीचड़, गोबर, पेंट, शराब व भांग का प्रचलन, नशे की हालत में किया गया व्यवहार इस पर्व को बदरंग कर देता है यानी बेकार कर देता है, जिससे आर्थिक नुकसान के कारण यानी पैसे के नुकसान के साथ आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिलता है। घातक रंगों के प्रयोग से आंखों की रोशनी पर भी कुप्रभाव यानी बुरा प्रभाव पड़ता है। होली के स्नेह सम्मेलन एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा होता है, थोड़ा सा दो लाइन और है। जैसे यहाँ पे देखो, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे सभी भूल कर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। अच्छी लाइन है ये, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो। यदि गंदगी, फुहड़ता तथा नशे पर रोक लगाई जा सके तो इससे उत्तम पर्व कोई भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अभी राष्ट्रभाषा हिंदी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये, ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए।